आइए YouTube पर पॉडकास्ट के बारे में बात करें। YouTube पर क्रिएटर्स के बीच यह फॉर्मेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इससे क्रिएटर्स अपने दर्शकों के साथ नए तरीकों से जुड़ रहे हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। पॉडकास्ट क्रिएटर्स को वीडियो और प्लेलिस्ट के लिए स्पेशल बैज मिलते हैं। इसके साथ साथ वे ऑफिशियल सर्च कार्ड के लिए और youtube.com/podcasts पर दिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि YouTube स्टूडियो में पॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है, पॉडकास्ट की परफॉर्मेंस को गहराई से कैसे समझते हैं और YouTube पर पॉडकास्ट करने के बेहतरीन तरीकों के बारे में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि YouTube स्टूडियो में पॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है। YouTube पर पॉडकास्ट एक प्लेलिस्ट होती है और इस प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो पॉडकास्ट के एपिसोड होते हैं। नया पॉडकास्ट बनाने के लिए YouTube स्टूडियो में जाकर क्रिएट या बनाएं और फिर नया पॉडकास्ट बनाने के लिए इस विकल्प को चुनें। इसके बाद पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट की जानकारी डालें। इसमें ये चीजें शामिल हैं: टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पॉडकास्ट किसे दिखेगा और थंबनेल। ध्यान दें कि यह थंबनेल स्क्वायर या चौकोर होना चाहिए। सेव करने के लिए क्रिएट या बनाए पर क्लिक करें। पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट बना लेने के बाद नए या मौजूदा वीडियो को इसमें जोड़ा जा सकता है। कोई वीडियो अपलोड करते समय जब वीडियो के बारे में जानकारी दी जाती है तो उसी प्रोसेस के दौरान पॉडकास्ट में कोई नया वीडियो जोड़ा जा सकता है। इसके लिए पॉडकास्ट की वह प्लेलिस्ट चुनें जिसमें नया वीडियो जोड़ना है। पॉडकास्ट की किसी प्लेलिस्ट में मौजूदा वीडियो जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए कंटेंट टैब पर जाकर एक या उससे ज्यादा ऐसे वीडियो चुनें जिन्हें किसी प्लेलिस्ट में जोड़ना है। इसके बाद ऐड टू प्लेलिस्ट या प्लेलिस्ट में जोड़ें चुनें। आइए अब समझते हैं कि किसी मौजूदा प्लेलिस्ट को पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट के तौर पर कैसे सेट किया जाता है। YouTube स्टूडियो में जाकर कंटेंट टैब और फिर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। जिस प्लेलिस्ट को पॉडकास्ट के तौर पर सेट करना है उसके तीन बिंदु वाले मेन्यू पर क्लिक करें और इसे पॉडकास्ट के रूप में सेट करने के विकल्प चुनें। यहाँ आप पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और यह किसे दिखेगा वाली सेटिंग को चेक कर लें। साथ ही पॉडकास्ट के लिए एक स्क्वायर या चौकोर थंबनेल भी जोड़ें। पॉडकास्ट प्लेलिस्ट के लिए यह स्टेप जरूरी है। YouTube स्टूडियो में आपके सभी पॉडकास्ट दिखते हैं। इसके लिए कंटेंट पर जाकर पॉडकास्ट टैब पर जाएं। यहां पर किसी भी समय अपने पॉडकास्ट की जानकारी में बदलाव किया जा सकता है। साथ ही वीडियो के लिए डिफॉल्ट तौर पर सेट किए गए ऑर्डर को भी बदला जा सकता है। अगर आपके पॉडकास्ट के एपिसोड का कंटेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो वीडियो का ऑर्डर इस तरह से सेट करें कि नए एपिसोड पहले दिखें और पुराने बाद में। अगर आपके पॉडकास्ट के एपिसोड सीरियल हैं तो वीडियो का ऑर्डर इस तरह से सेट करें कि पुराने एपिसोड पहले दिखें और नए बाद में। मैनुअल तरीके से वीडियो का ऑर्डर सेट करने के लिए YouTube के प्लेलिस्ट पेज पर जाकर अपने वीडियो खींचें और छोड़ें। पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट YouTube पर पॉडकास्ट की सुविधाओं के लिए एलिजिबल होती है, जैसे पॉडकास्ट बैज, ऑफिशियल सर्च कार्ड पाना और youtube.com/podcasts पर दिखना। पॉडकास्ट YouTube म्यूजिक ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। अब देखते हैं कि अपने पॉडकास्ट की परफॉर्मेंस को गहराई से कैसे समझा जा सकता है। आपको YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स सेक्शन में ओवरव्यू या खास जानकारी वाले टैब में अपने पॉडकास्ट की परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट मिलेगा। इससे यह पता चलता है कि पॉडकास्ट को कितने व्यू मिले और उसे कुल कितने समय देखा गया है। किसी एक पॉडकास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा जानने के लिए पॉडकास्ट एनालिटिक्स या पॉडकास्ट से जुड़े आंकड़े देखें पर क्लिक करें। अगर आपके पास कई पॉडकास्ट हैं, तो उस पॉडकास्ट के टाइटल पर क्लिक करें जिसका डेटा आपको जानना है। यहां पहुंचने का एक और तरीका है, स्टूडियो में जाएं, इसके बाद कॉन्टेंट टैब पर क्लिक करें और फिर पॉडकास्ट टैब पर जाएं। अब जिस पॉडकास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में आपको गहराई से समझना है उसके जानकारी विकल्प पर क्लिक करने के बाद एनालिटिक्स पर क्लिक करें। ओवरव्यू या खास जानकारी वाले टैब पर आपको एग्रीगेट की गई मेट्रिक दिखेगी, जिसमें पॉडकास्ट प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो के कुल व्यू, देखने का कुल समय और अनुमानित रेवेन्यू वगैरह की जानकारी दिखेगी। यह जानकारी चुनी गई टाइम रेंज के हिसाब से दिखेगी। इस टैब में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले एपिसोड भी दिखेंगे।
आपको कंटेंट टैब में वे खास पल दिखेंगे जिनकी वजह से दर्शकों ने आपके पॉडकास्ट पर ज्यादा समय बिताया। साथ ही यह जानकारी भी दिखेगी कि दर्शक आपके पॉडकास्ट वीडियो तक कैसे पहुंचते हैं। आपको दर्शक टैब में दर्शकों के डेमोग्राफिक्स यानी कि उनकी उम्र, लिंग वगैरह की जानकारी दिखेगी। अगर आपके पॉडकास्ट पर कमाई की सुविधा चालू है तो रेवेन्यू टैब में आपको अनुमानित रेवेन्यू और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कंटेंट की जानकारी मिलेगी। आखिर में बात करते हैं पॉडकास्ट क्रिएटर्स के काम आने वाले कुछ असरदार तरीकों की। अपने चैनल पर मौजूद हर पॉडकास्ट के लिए उसकी एक पब्लिक प्लेलिस्ट बनाएं। इस प्लेलिस्ट में किसी शो के सभी सीजन के पूरे पूरे एपिसोड शामिल होने चाहिए। इन्हें उस ऑर्डर में सेट करें जिस ऑर्डर में दर्शकों को दिखाना है। इससे फैन आपके पॉडकास्ट के सभी एपिसोड एक ही जगह पर पा सकेंगे। अगला तरीका है अपनी प्लेलिस्ट का टाइटल वही रखें जो आपके पॉडकास्ट का नाम है। पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट के टाइटल में एक्स्ट्रा शब्द ना जोड़ें। इसमें पॉडकास्ट शब्द भी तब तक ना लिखें जब तक कि वह आपके शो के नाम में ना आता हो। इससे यूट्यूब पर दर्शक आपके पॉडकास्ट शो को आसानी से ढूंढ पाते हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट में क्लिप, दूसरे पॉडकास्ट या अन्य चैनलों की वीडियो ना डालें। और आखिर में अपनी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा जानकारी शामिल करें। इससे पॉडकास्ट सुनने वाले नए लोगों को आपका पॉडकास्ट खोजने में आसानी होती है। इन सुझावों से यूट्यूब पर अपने पॉडकास्ट को ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने और दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही पॉडकास्ट के कंटेंट को पॉडकास्ट से जुड़ी सुविधाएं पाने के लिए एलिजिबल बनाने में भी मदद मिलेगी। यूट्यूब पर पॉडकास्ट के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।